धनलक्ष्मी बैंक ने 300% से ज्यादा की रिटर्न दे चुका है और एक मेरे भाई ने बोला है आप इस पे अपना एक व्यू बताइए। मंथ के चार्ट को हम एनालाइज करें तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है और जितनी बार भी ये ट्रेंड लाइन को छू रहा है मार्केट नीचे गिर जा रहा है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है तो यहाँ पर जितने भी बड़े FIs म्यूचुअल फंड्स वाले हैं ये मार्केट को ऊपर ला सकते हैं। लेकिन हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से बात करेंगे कि इस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या नहीं। गाइस अगर हम 16 रुपए की बात करें तो मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिख रही है। मार्केट जितनी बार भी इसको टच कर रहा है, टच करते बराबर एक फेल हो जा रहा है और स्पाइक लगा के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर अभी भी सप्लायर्स की मौजूदगी है, यहाँ पे मतलब सेलर्स अभी भी खड़े हुए हैं। इसको हम फंडामेंटल्स के थ्रू और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसका मार्केट कैप है 300 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग प्राइस चल रही है तो 16 रुपए पे बार बार स्पाइक लगा के आ रहा है, तो यानी इसके मार्केट कैप को बड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी परेशानी अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अगर हम 20 रुपए को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी चीज ये दिख रही है कि दो बार मार्केट इसी प्राइस को टच करके नीचे आया और ट्रेंड लाइन के भी दमखम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। तो मान लीजिए अगर ये 16 रुपए को क्रॉस भी करता है तो इसका बाप अभी 20